दोस्तों बिग बॉस सीजन 16 के लाइव फीड में इस समय घर के अंदर से उठाकरे और एमसी स्टैन मिलकर शालीन बनोट को बुरी तरीके से बोर कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, दोनों ही सदस्य मिलकर शालीन बनोट को बुरी तरीके से पका रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि शालीन बनोट अक्सर अपनी घिसी पिटी कहानियां सुनाते रहता है जो कि काफी बोरिंग होती है सुनने में, और एमसी स्टैन और शिव ठाकरे दोनों ही शालीन बनोट की जो दुखी दास्तान होती है वो सुनने के बाद काफ़ी बोर हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में शालीन बनोट करते हुए नजर आए, जहां पर वो बता रहे थे कि एक बार हम कहीं ढाबे पर खाना खाने के लिए जा रहे थे लेकिन हमको कहीं भी ढाबा नहीं मिला और हम कार में चलकर जा रहे थे। ये सुनकर शिव और एमसी स्टैन ने मजाक करते हुए कहा कि यार कार जब तुम्हारे पास में थी तो फिर तुम लोग चलकर क्यों जा रहे थे, उसमें बैठकर भी तो जा सकते थे। ये सुनकर दोस्तों शालीन बनोट का मुंह देखने लायक था। और जैसे जैसे शालीन बनोट आगे की कहानी इनको सुनाता, इसी प्रकार दोनों सदस्य मिलकर शालीन बनोट को परेशान कर देते हैं और उसकी बात का मजाक उड़ा देते हैं। ये सीन देखने में काफी फनी लग रहा है और अगर एपिसोड के दौरान दिखाया गया तो आप भी अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों शालीन का चेहरा पूरी कहानी सुनाने के दौरान देखने लायक था और एमसी स्टैन और जो शिव ठाकरे हैं वो दोनों शालीन का जमकर मजाक उड़ा रहे थे। फिलहाल दोस्तों आपको इन तीनों की बातें कैसे लगी कॉमेंट में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।